कितना सारी है मेरे पास, आप सब बताइएगा कि कितना सारी हुआ, काउंट में कितना हुआ ये सारी, और फिर कौन सा सारी आप लोग को अच्छा लगा। ठीक है, आ गए हैं, अब यहीं पे रहेंगे। रीजन आप सबको पता है, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है कमेंट में बता दीजिए कि सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। आप सब कैसे, मैं ठीक हूँ। स्वागत करते गाना है ब्लॉग में, और मैं अभी शाम हो गई, दोपहर का टाइम है, तो अभी मैं खेल रही थी स्कूल से, मैं आ गई और थोड़ा परोठा था वो खा ली, और मैं खेलने गई तो फिर मम्मा मुझे बुलाए, बोली ना कि फोन को लेकर, कैमरा को लेकर फिर वीडियो शूट करो, तो मैं वीडियो शुरू करी और दिखाते हैं मम्मा क्या क्या कर रही है। तो देखिए दोस्तों, मेरी स्टोरी टेबल की रूम में मम्मा इधर चावल को बना रही है, है ना मम्मा? नमस्ते फैमिली। तो सुहाना बोलती है कि ब्लॉग ना मैं शुरू करूँगी। तो सुहाना अभी खेल रही थी, तो मैं सुहाना को बोली कि सुहाना ब्लॉग स्टार्ट करूँ, है ना जी। तो अभी सुहाना स्कूल जा रही है, और पराठा ना सुबह में सुहाना बोलती कि मेरे लिए रख दीजिएगा, तो सुहाना के लिए एक पराठा रख दिए। तो अभी सुहाना पराठा खा के खेलने गई थी, और ये बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से चावल ऐसे ही रखा हुआ था, मैं सोची कि बना लेते आज ना अच्छे से, तो इस चावल को हम बना रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो अभी हमारा काम हो गया है ना सुहाना जी। और इतना चावल देखिए, जो छोटा वाला चावल होता है खुद्दी, और थोड़ा बहुत बड़ा चावल भी है, इसको इतना हम रख लिए हैं, ये पक्षियों को हम ऊपर में डाल देंगे कल सुबह में, ठीक है। अभी सुहाना भी होमवर्क कर लिए अपना, तो चलते हम लोग घूम लें शाम के टाइम, ठीक है, थोड़ा टहलने चलते हैं, ठीक है। ठीक है चलो, मजा आ जाएगा, अच्छा लगेगा। फिर शाम के 6:30 बज रहा है, और क्योंकि आजकल दिन लंबा होता है, 7:30 बजे शाम होता है अंधेरा, तो अभी हम थोड़ा मतलब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा टहलने के लिए, चलते हैं। हम लोग घूम के आ गए, और देखिए हमारे यहाँ कौन आए हैं, और ये आ गए हैं, अब यहीं पे रहेंगे। रीजन आप सबको पता है, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है कमेंट में बता दीजिए कि क्यों यहीं पे रहेंगे चंदन, अब यहाँ पे ना यहीं पे रहेंगे ना, अब सदा के लिए यहीं पे रहेंगे। ये भी आ गए हैं, सुहाना पढ़ाई कर रहे हैं, परमानेंटली आ गए हैं, अब यहीं पे रहेंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, खाना बनाते हैं, ठीक है। क्या खाएंगे बताइए, क्या खाएंगे बताओ, क्या खाओगे? सुहाना होमवर्क कर रही है, कुछ भी खा रही, चलो चावल और सब्जी बना लेती हूँ। पूरी समय दिन का सारा कुछ को गर्म करेंगे, और सब्जी और चावल बना लेते हैं। दीदी एक चिकन बनाई थी, तो चिकन भी है, तो सारे कुछ है ही, बस थोड़ा थोड़ा सब्जी और चावल बना लेते हैं। गुड मॉर्निंग फैमिली, ये है अगला दिन, और अभी हम लोग का नाश्ता हो गया है। सुहाना नाश्ता करके पढ़ाई कर रही है, सुहाना के पापा बाहर गए हैं, नाली वाला काम चल रहा है उसी के मामले में, उसी के सिलसिले में आज उधर ही रहते हैं ज़्यादातर। और अभी हम चल रहे हैं सारी कलेक्शन दिखाने आप सबको, और ये ब्लॉग में ये सारी कलेक्शन इसलिए हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि देखिए मेल भी है फीमेल भी है हमारे चैनल को देखने वाले, हमारे वीडियो को देखने वाले, तो जो मेल वाले हमारे दोस्त सब है उनको बस सारी कलेक्शन अच्छा नहीं लगा, तो हम सोचे थोड़ा सा उसमें ब्लॉग ऐड कर देते हैं, उसमें हम सारी कलेक्शन डाल देंगे। थोड़ा सा 3-4 मिनट का ब्लॉग हो गया है, अब इसमें हम जाके सारी कलेक्शन जल्दी जल्दी से आप सबको दिखाते हैं, ठीक है। चलते हैं। तो इस रूम में यहाँ पे ये ट्रंक में है हमारे साड़ी, तो अभी सारा साड़ी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए फैमिली, इतना सारा साड़ी है जो हमने निकाल लिए है, सारा को मिलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे ये सब निकालने में, सारा कुछ मिलाने में, और सबका पेटीकोट और ब्लाउज का हाल देखिए, फिर से मुझे उससे ज़्यादा टाइम लगेगा इस सबको मिलाने में, एक साथ फिर से रखने में, फोल्ड कर करके फिर अलग अलग प्लास्टिक में डाल डाल के सब चीज़ का, जैसे ये साड़ी हो गया तो इसका मैचिंग ब्लाउज मैचिंग पेटीकोट के साथ रखने में फिर से मुझे उतना ही टाइम लगने वाला है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो आप सबको, इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आप सबको
लाइक करना है और बहुत सारा प्यारा प्यारा कमेंट्स करना है मेरे मेहनत के लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से दिखाते हैं वरना बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि साड़ी ज़्यादा ही लग रहा है। वैसे कहीं पे जाते वाते हैं तो पहनने के लिए होता नहीं है, सोचते हैं कि है नहीं मेरे पास कुछ भी पहनने के लिए, और आज इसी बहाने हम काउंट भी कर लेंगे कि मेरे पास कितना साड़ी है, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं, हम किसी भी साड़ी से, इस साड़ी से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये साड़ी देखिए, अगर किसी मतलब जो भी साड़ी का मुझे जो भी पिक मिलेगा या जो भी वीडियो मिलेगा मैं आप लोगों को वहाँ पे लगा दूंगी, तो आप लोग देखिएगा कैसा लग रहा है, और आप लोगों को कमेंट करना है कि कितने नंबर का साड़ी सबसे बेस्ट लगा आपको, ठीक है। तो ये सबसे पहला साड़ी है हमारा एक नंबर का, ये देखिए, ये वाली साड़ी मम्मी जी को अपनी भांजी का कन्यादान पर मिला था, तो उसी टाइम पर मम्मी जी तय कर ली थी कि ये वाली साड़ी ना मैं अपनी बड़ी बहू को दूंगी, तो ये मुझे दिया गया। उसके बाद आता है ये साड़ी येलो कलर का, ये बनारसी सिल्क साड़ी, ये भी बहुत प्यारा है, काफ़ी प्यारा है, और ये मुझे मिला है यूट्यूब फैमिली के तरफ से गिफ्ट में, जो कि मैं तीन चार साल पहले कलश भरी थी दुर्गा माता की इस साड़ी से, काफ़ी प्यारा है। नेक्स्ट साड़ी है ये वाली साड़ी देखिए, ये लॉकडाउन के टाइम पे जब मैं घर पे थी तो मम्मी जी लदनिया से मेरे लिए खरीद के ला दी थी। नेक्स्ट है ये साड़ी मैं खुद मंगवाई हूँ ऑनलाइन मीशो से, 300-400 के बीच का पड़ा है मुझे। अगर आप लोग को चाहिए तो इसका लिंक की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, बस आप लोगों को क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लेना है और वहाँ पे मीशो पे जाके डालना है, बस आ जाएगा। नेक्स्ट है ये साड़ी मरून कलर का, ये लास्ट ईयर मम्मी जी लदनिया से ला दी थी मेरे लिए, ये वाली देख सकते हैं, इससे मैं तीज की थी लास्ट ईयर। नेक्स्ट है ये ब्लैक कलर का साड़ी, ये देखिए, ये ब्लैक साड़ी है जिसमें सितारा है छोटा छोटा सा पूरा साड़ी में, और पूरा साड़ी बस ऐसा ही है, तो ये भी गिफ्ट मिला है मुझे मेरी दीदी के तरफ से। और नेक्स्ट है ये साड़ी, ये देखिए, ये लास्ट ईयर आप सबको पता ही होगा, देखे थे कुछ दिन पहले, तीन चार महीना पहले मेरे दोस्त की शादी हुआ था तो उसमें मैं खरीदी थी जयनगर में जाके। नेक्स्ट है ये साड़ी जो कि मैं पहनती रहती हूँ, आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किए होंगे तो देखते होंगे वहाँ पे काफ़ी सारा रील्स आता रहता है इस साड़ी में, ये वाली, ये 3-4 साल पहले मैं मीशो से मंगवाई थी। नेक्स्ट है ये साड़ी, ये लास्ट ईयर बर्थ सावित्री पे मैं दरभंगा में खरीदी थी ये साड़ी। नेक्स्ट है ये साड़ी, ये भी सेम 3-4 साल पहले उस साड़ी के साथ मीशो से मैं मंगवाई थी ये वाली साड़ी। नेक्स्ट है ये वाली साड़ी, ये देखिए ये साड़ी, ये भी मैं मीशो से मंगवाई थी वीडियो बनाने के लिए, सिंपल सा पतला सा जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया जा सके, तो इसलिए मैं मंगवाई थी और काफ़ी पहनी भी हूँ, काफ़ी पहनती हूँ मैं ये साड़ी क्योंकि बहुत हल्का है और बॉडी पर अच्छा भी लगता है, इसलिए ज़्यादा पहनती हूँ मैं। ज़्यादा साड़ी मैं मीशो से ही होता है, ज़्यादा साड़ी मेरा कम रेंज का ही है, मेरे पास ज़्यादा महंगा वाला साड़ी है नहीं कोई, लेकिन जो भी है मैं खुश हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है ये साड़ी, ये 2 साल पहले मैं करवा चौथ की थी ये साड़ी पहन के, ज़्यादा मेरे पास करवा चौथ या फिर तीज या फिर बर्थ सावित्री ऐसे बर्थ सब में ही खरीदती हूँ, वही साड़ी रहता है मेरे पास, तो ये 3 साल पहले मैं करवा चौथ की थी ये साड़ी पहन के, और ये भी मुझे गिफ्ट में ही मिला है, दीदी दी है। नेक्स्ट है ये साड़ी, ये साड़ी का शायद मुझे पिक ना मिले क्योंकि बहुत पुराना साड़ी है ये, ड्राई वॉश करके 6-7 साल हो गया इस साड़ी को, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था ये ड्राई वॉश। ये साड़ी मैं पहली बार ससुराल गई थी पहन के शादी के बाद, वो साड़ी है ये। नेक्स्ट है ये साड़ी, ये वाली देखिए, ये भी मुझे यूट्यूब फैमिली के तरफ से गिफ्ट मिला है 3-4 साल पहले, देखिए। नेक्स्ट है ये साड़ी, ये नेट वाली साड़ी, ये भी मैं मीशो से मंगवाई थी, आप लोग को चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके मंगवा सकते हो, वहाँ पे फोटो डालेंगे तो बस आ जाएगा। नेक्स्ट है ये भी मैं मीशो से मंगवाई थी, काफ़ी सिंपल साड़ी, इसका ब्लाउज मुझे अच्छा लगा था इसलिए ये मंगवाए थे, इसका ब्लाउज अच्छा है, यहाँ पे फोटो लगा देंगे, देखिएगा आप लोग कैसा है। नेक्स्ट है ये साड़ी, ये भी ग्रीन है, ये देखिए, ये साड़ी ग्रीन कलर में अच्छा लग रहा है, ये मम्मी जी ला दी थी लास्ट ईयर ही दसवीं के टाइम पे, दशहरा के टाइम पे ये मैं पहन के कलश भरी थी। नेक्स्ट है ये साड़ी, ये येलो कलर का, काफ़ी सुंदर, काफ़ी सॉफ्ट, और ये भी ड्राई वॉश है,
शादी के टाइम, मेरे शादी के टाइम पे 6-7 साल पहले ये बहुत मतलब चल रहा था। तो सुहाना के पापा मेरे पति देव जी ये मुझे दिलाए थे। येलो कलर का देखिए, ये पहन के शादी हुआ था हमारा, सिंदूरदान। नेक्स्ट है ये साड़ी देखिए, ये तो मैं काफ़ी पहनती रहती हूँ, आप लोग को पसंद भी है, आप लोग पूछते रहते हो कि कहाँ से लाए हैं, प्लीज़ बताइए। तो ये मम्मी जी ला दी है 2 साल पहले तीज पे मेरे लिए, लदनिया से खरीद के, ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है ये साड़ी, ये भी येलो कलर का है, ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है, पहनते हैं तो बॉडी में काफ़ी जचता है, अच्छा लगता है। और ये साड़ी मुझे लास्ट ईयर जब मौसी जी के देवर, जब मौसी जी के देवर के शादी में गए थे, मौसा जी के शादी में, तो उस टाइम मुझे मौसी जी के यहाँ से विदाई में मिला था ये साड़ी। देखिए ये साड़ी, ये भी येलो कलर का है, ये भी लॉकडाउन के टाइम पे मम्मी जी, मैं जो वो पहले दिखाई थी वो वाली साड़ी, उस साड़ी के साथ ये भी साड़ी, दोनों साड़ी मम्मी जी लॉकडाउन के टाइम पे लदनिया से ला दी थी। ये साड़ी भी काफ़ी सुंदर है, ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता लेकिन जब पहनते हैं तो बॉडी पे अच्छा लगता है। नेक्स्ट है ये साड़ी, और तब से कैमरा पे कुछ पड़ गया था, एकदम धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, आप जाके साफ किए, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 8 मिनट वीडियो चल गया है तब जाके पता चला कि कैमरा गंदा लग रहा है। नेक्स्ट साड़ी है ये जयनगर से मैं ली थी लास्ट ईयर या उससे 1 साल पहले, किसी बर्थ में, बट सावित्री में या फिर तीज में, 2 साल पहले तीज पर लिए थे ये साड़ी और ये साड़ी साथ में, ये साड़ी लिए थे बस ऐसे ही वीडियो वीडियो बनाने के लिए, पहनने के लिए सिंपल, घर आंगन में रेगुलर यूज़ के लिए, और ये साड़ी लिए थे तीज करने के लिए 2 साल पहले। ये देखिए, ये भी काफ़ी सुंदर है, ये देखिए काफ़ी सुंदर है, पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा जचता है बॉडी पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट है ये साड़ी, ये भी 1-1.5 साल पहले मैं मीशो से मंगवाई थी, सिंपल सा 200-300 के बीच का साड़ी है ये, बस ऐसे ही सिंपल घर में पहनने के लिए, हल्का वीडियो वीडियो बनाने के लिए, तो ये है, बाकी पहनते हैं तो बॉडी में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इतना साड़ी है मेरे पास, आप सब बताइएगा कि कितना साड़ी हुआ काउंट में, कितना हुआ ये साड़ी, और फिर कौन सा साड़ी आप लोग को अच्छा लगा, ठीक है। और वीडियो क्योंकि बड़ा हो रहा है, 9 मिनट का वीडियो यही हो गया, फिर पिछला वीडियो है ब्लॉग, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप सबको कमेंट करके जरूर से ज़रूर बताना है कि आप सबको सबसे ज़्यादा कौन सा साड़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हालात ऐसे पसड़ गया है सारा कुछ, तो मुझे सब कुछ को मिलाना भी है, पहले आप लोग के लिए वीडियो डालना भी है, तो ठीक है इस वीडियो को हम एंड करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग क्या देखना चाहेंगे कमेंट कीजिएगा, बहुत प्यारा प्यारा बहुत सारा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगा है और मुझे लगता है अच्छे से शायद मैं नहीं बता पाई साड़ी के बारे में, तो सॉरी, पता नहीं क्यों जैसे लग रहा है कि आज अच्छे से हम बोल नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सॉरी, कभी कभी क्या हो जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो लाइक करिए ना करिए कमेंट जरूर से जरूर कीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए, बाय।